आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी बीते 3 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें कोरोना के बाद इन्फ्लुएंजा और निमोनिया हो गया है, जिसके कारण उनकी हालत काफी नाजुक है। ऐसे में अस्पताल में ही ललित मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और अपने उत्तराधिकारी की अनाउंसमेंट की है। ललित मोदी ने तत्काल प्रभाव से अपने बेटे रुचिर मोदी को अपने उत्तराधिकारी चुना है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये जानकारी शेयर की है। उन्होंने अपनी 4555 करोड़ की संपत्ति सौंप दी है। बिजनेस ग्रुप के मोदी फैमिली ट्रस्ट की संपत्ति उन्होंने अपने बेटे रुचिर मोदी को तत्काल सौंप दी है। रविवार को उन्होंने इसकी घोषणा की। इसके बाद लोग रुचिर मोदी के बारे में सर्च करने लगे हैं। उन्होंने इस बारे में ट्वीट कर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेटी आलिया से बात करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया। चलिए अब आपको रुचिर मोदी के बारे में बताते हैं। रुचिर मोदी 28 साल के हैं और ललित मोदी के इकलौते बेटे हैं। रुचिर मोदी मोदी एंटरप्राइजेस, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मोदी केयर, के मोदी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। वो मोदी वेंचर के फाउंडर भी हैं। उनकी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वो कई प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। रुचिर 24/7 कन्वीनियंस स्टोर और कलर बार कॉस्मेटिक ब्रांड जैसे प्रोजेक्ट को भी लीड करते हैं। रुचिर मोदी ने लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है। उन्हें अपने पिता की तरह ही क्रिकेट का शौक है। वो अलवर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। जानकारी हो कि ललित मोदी परिवार में पिछले काफी समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। ललित मोदी का अपनी मां और बहन के साथ परिवार के भीतर संपत्ति के नियंत्रण को लेकर विवाद चल रहा है। मोदी ने इस कानूनी विवाद को लंबा, थकाऊ और मुश्किल बताते हुए कहा, इसके निपटारे के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। इसने मुझे काफी पीड़ा पहुंचाई है, लेकिन अब के मोदी ग्रुप के पूरी कमान रुचिर के हाथ में है। वहीं ललित मोदी को इलाज के लिए मेक्सिको सिटी से लंदन लाया गया और फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उत्तराधिकारी का ऐलान करते हुए उन्होंने लिखा, अब वो फैमिली ट्रस्ट की संपत्ति और कमाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो KKMFT में बने रहेंगे। ललित मोदी साल 2010 में भारत छोड़कर लंदन पहुंच गए थे। उनके पास अरबों की संपत्ति है। लंदन में आलीशान महल है जो 7000 एकड़ में फैला है। उनके पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है। ललित मोदी का नेटवर्थ लगभग 12000 करोड़ है, जिसमें 4500 करोड़ की उनकी संपत्ति है। अब उन्होंने अपनी ये संपत्ति अपने बेटे को सौंप दी है। आपको बता दें कि ललित मोदी से 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक इकलौती बेटी भी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।